जो हम हार्बर इंजीनियरिंग क्या होता है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे एज वेल एज़ हार्बर इंजीनियरिंग में जो हार्बर के वेरियस कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो so, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हार्बर का मतलब होता क्या है हार्बर का मतलब होता है कि शेल्टर्ड एरिया होता है सी में एंड इस एरिया को यूज़ किया जाता है फॉर लॉन्चिंग लार्ज साइज ऑफ बोट्स जिन्हें हम वेसल भी कहते हैं या फिर ये जो पर्टिकुलर एरिया है इनको यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एज़ वेल एज़ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क के लिए भी इस पर्टिकुलर एरिया को हम यूज़ करते हैं तो ये जो एरिया जो हम यूज़ कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया इसे ही हम क्या कहते हैं हार्बर्स कहते हैं हार्बर आपका शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हेल्प करता है ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग टाइम एंड कार्गो तो ये जो स्टॉम टाइम होता है इसमें आपके हाई टाइट्स एज वेल एज़ हाई वेव्स जनरेट होते हैं तो इनको अवॉइड करने के लिए या इनसे हम शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हार्बर का यूज़ करते हैं या इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया को ही आप क्या कहोगे जहाँ पे इन वेव एक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता उसे आप क्या कहोगे हार्बर कहोगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि हार्बर वो स्पेस या वो एरिया होता है सी में जहाँ पर लोडिंग एंड अनलोडिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है फॉर पैसेंजर्स एज वेल एज कार्गो के लिए तो कार्गो क्या होता है जो गुड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह आप मटेरियल की सप्लाई करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं कार्गो कहते हैं और ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे ये पूरा वर्क कैरी ऑन होता है उसी को आप क्या कहते हो हार्बर कहते हो तो आई होप आपको हार्बर क्या होता है ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये जो आपको इमेज दिख रहा है तो इसमें आपको विजिबल होगा कि ये जो है ये आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आपके क्या है वेरियस आपको देख रहे देख रहा होगा कि शिप्स आपके आपके स्टैंड पोजीशन पे हैं तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है इसे ही आप क्या कहते हैं हार्बर कहते हैं यहाँ पर एक और इमेज है जो आपके लिए क्लियरली विजिबल होगा कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ पे आपके शिप्स अरेंजड हैं इन सी वाटर उसे आप क्या कह रहे हो हार्बर कह रहे हो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हार्बर तो हार्बर के दस मेन कंपोनेंट्स होते हैं फर्स्ट वन इज़ एंट्रेंस चैनल सेकेंड वन इज़ ब्रेक वाटर थर्ड वन इज़ टर्निंग बेसिन फोर्थ वन इज़ शेल्टर बेसिन फिफ्थ वन इज़ पियर सिक्स वन इज़ वार्फ सेवेंथ वन इज़ क्वे एट्थ वन इज़ ड्राई डॉक एंड नाइन्थ वन इज़ वेट डॉक एंड लास्ट वन इज़ जेटी तो ये दस मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं हार्बर्स में जो हम यूज़ करते हैं या इन्हें वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है अब हम इनके बारे में वन बाई वन डीप में स्टडी करेंगे तो सबसे फर्स्ट है आपका क्या एंट्रेंस चैनल एंट्रेंस चैनल मतलब वाटर एरिया वाटर में वो एरिया होता है जहाँ से आपका शिप एंटर करता है हार्बर में एंड एंट्रेंस का सफिशिएंट एरिया आपका होना चाहिए जैसे कि आपका वेट इसमें वेट जो है एंट्रेंस में वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि आपके जो शिप है वो ईज़िली टर्न हो सके एज़ वेल एज मूव कर सके तो इसने कुछ वैल्यू दी हुई है कि भाई अगर स्मॉल हार्बर है तो उसका जो वेट्थ है वो हंड्रेड मीटर का होना चाहिए अगर आपका मीडियम हार्बर है तो तो उसका जो वेट है वो सौ से एक सौ साठ मीटर होना चाहिए और अगर लार्ज हार्बर है तो वो जो वेट है वो एक सौ साठ से दो सौ साठ मीटर का होना चाहिए तो ये होता है आपका एंट्रेंस चैनल सेकेंड है आपका ब्रेक वाटर ब्रेक वाटर क्या होता है हार्बर को एनक्लोज करने के लिए शी शोर पे सी uh, के तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया जाता है बाय यूजिंग कंक्रीट या फिर आपका रबल मशीनरी या बोल सकते हो स्टोन्स का यूज करके तो उन्हें ही आप क्या कहते हो ब्रेक वाटर कहते हो नेक्स्ट है हमारा टर्निंग बेसिन कि टर्निंग बेसिन क्या होता है तो टर्निंग बेसिंग आपका वाटर में वो एरिया होता है हार्बर में जहाँ उस एरिया को आप यूज़ करते हो शिप को फ्रीली टर्न करने के लिए या बोल सकते हो आपके मूव होने के लिए तो इसमें एक टर्म आया होगा मैनीवरिंग मैनी तो इसका मतलब ये होता है टू मूव टू अ डिफरेंट पोजिशन एक पोजिशन से टू डिफरेंट पोजिशन पे जब आपका शिप मूव कर रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे मैन्यू वरिंग तो आपके शिप के टर्न होने के लिए जो आप स्पेस प्रोवाइड करते हो उसको हम बोलते हैं टर्निंग बेसिन नेक्स्ट है आपका शेल्टर बेसिन तो शे, शेल्टर बेसिन क्या होता है ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया होता है हार्बर में जो कि रिक्वायर्ड होता है शोर एंड ब्रेक वाटर के लिए नेक्स्ट है आपका पियर पियर मतलब आपका एक सॉलिड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बर्थिंग का प्रोसेस किया जाता है शिप में ऑन बोथ दी साइड्स अब बर्थिंग का मतलब होता है ये एक डेजिग्नेटेड लोकेशन होता है जहाँ से लोडिंग एंड अनलोडिंग की जाती है आपके वेसल्स में अब वेसल का मतलब होता है जो लार्ज साइज के बोट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेक्स्ट है आपका वार्फ वर्फ का मतलब होता है शोर लाइन के अलोंग एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्थिंग फैसिलिटी ओनली ऑन वन साइड जब आप बर्थिंग फैसिलिटी केवल एक तरफ प्रोवाइड करोगे शोर लाइन के तो उसको आप क्या कहोगे वार्फ कहोगे नेक्स्ट है आपका क्वे का मतलब होता है ये भी एक आपका सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसे डॉक के पैरेलल बनाया जाता है जिसका एक साइड बर्थिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एंड दूसरा साइड अर्थ को रिटेन करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट है आपका ड्राई डॉक ड्राई डॉक का मतलब होता है कि ये एक चैम्बर होता है जहाँ पे शिप्स का क्या करते हैं आप मेंटेनेंस वर्क रिपेयर वर्क एंड कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है तो ये जो आपका एरिया होता है इसमें वॉल्स फ्लोर्स एंड गेट्स आपके आप प्रोवाइड करते हो तो इन्हें आप क्या कहते हो ड्राई डॉक नेक्स्ट है आपका वेट डॉक वेट डॉक का मतलब होता है कि ये एक एनक्लोज एरिया होता है जहाँ पे आपका एंट्रेंस में लॉक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है इस एरिया को यूज़ किया जाता है जब टाइड्स में बहुत वेरिएशंस होते हैं तो शिप के बर्थिंग प्रोसेस के लिए इसे यूज़ किया जाता है नेक्स्ट है आपका जेटी जेटी मतलब होता है आपके शोर लाइन के परपेंडिकुलर सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाया जाता है फॉर बर्थिंग ऑफ शिप्स तो ये होते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स एज वेल एज हार्बर के मीनिंग थैंक यू